शहर का रामशिला पहाड़ जहां देश का तीसरा स्फटिक शिवलिंग विराजमान है। पहला स्फटिक शिवलिंग रामेश्वरम में, दूसरा जम्मू के रघुनाथ मंदिर और तीसरा रामशिला पहाड़ की तलहटी में। और क्या कहा जाता है कि शिवलिंग भारत में कितने हैं, या भारत में या दुनिया में? भारत में तीन है। अच्छा, भारत में ऐसे सिर्फ तीन शिवलिंग? जी हाँ जी हाँ, एक हमारे गया जी में है, एक गया जी में है और एक रामेश्वरम में है। अच्छा। एक जम्मू में है। इस स्फटिक शिवलिंग की खास बात यह है कि इसके पास आरती दिखाने पर माता पार्वती व भगवान शिव के दिव्य नेत्रों का भक्त दर्शन करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता रहा था कि इस मंदिर में एक शिवलिंग है यहाँ पे, और शिवलिंग की कुछ खास बातें हैं जो कि मैं यहाँ के पुजारी से जानूंगा, बाबा से। तो बाबा, शिवलिंग के बारे में क्या कहा जाता है, इसमें क्या खास है? ये स्फटिक का शिवलिंग है, इनके अंदर में शंकर भगवान का दर्शन देते हैं, माता पार्वती जी का दर्शन देते हैं। अच्छा। नवरत्न मणि है इनके अंदर में और शेषनाग है इस शिवलिंग के अंदर में। शिवलिंग के अंदर कैसे दर्शन होते हैं फिर उनके में है? चाहे कपूर का बत्ती हो। अच्छा। या कैंडल हो। अच्छा। इससे दर्शन या कुछ बत्ती जला कर मोबाइल का टॉर्च है। अच्छा। साथ ही वासुकी नाथ भी अपने अलौकिक रूप में नजर आते हैं। यहाँ पूजा अर्चना करने से काल सर्प और असामयिक मृत्यु का भय दूर हो जाता है। पुजारी की माने तो इस मंदिर का निर्माण टिकारी महाराज गोपाल सरन ने कराया था। रामशिला स्थित शिव मंदिर में स्फटिक शिवलिंग शीतलता का प्रतीक है। इस शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से मन को चंद्रमा के समान शीतलता मिलती है। इसके अलावा बाबा भोलेनाथ हर प्रकार के कष्ट को दूर कर देते हैं। और बाबा, अगर हम बात करें इस रामशिला, इस मंदिर को क्या बोलते हैं? ये रामशिला ठकुरबारी से नाम है, रामशिला ठकुरबारी। तो क्या खास बात है इस मंदिर का, मतलब लोग पिंडदान करने भी यहाँ पे आते हैं? यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी आए थे। अच्छा। पूर्वजों को उद्धार के लिए, माता पिता के नाम से पिंडदान करने के लिए रामशिला में आए थे। अच्छा। और उन्हीं के मतलब वो आए थे, इसलिए ये जगह काफ़ी फेमस हो गया और लोग यहाँ पे आते हैं पिंडदान के, मतलब हमारी पौराणिक कथा से जुड़ी है। जुड़ी है। अच्छा, ठीक है बाबा जी।